हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम एंड और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में वेयर क्लॉज पढ़ा था, तो वेयर क्लॉज में अब हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। सो एंड ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ बोथ द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकेंड कंडीशन आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर रिकॉर्ड को शो करेगा, जबकि और ऑपरेटर रिकॉर्ड को शो करता है इफ़ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे एसक्यूएल की मदद से। तो आइए देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा अगर हम इनको एसक्यूएल में सॉल्व करेंगे। सबसे पहली क्वेरी क्या कह रही है, सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी दिल्ली एंड मुंबई। तो स्टूडेंट का डाटा चाहिए जो दिल्ली और मुंबई दोनों में है, जैसे हमारा डाटाबेस ये था। सो अब स्टूडेंट चाहिए हमें, सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट, हम स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले कराएंगे। सो स्टूडेंट का नेम चाहिए जो दिल्ली और मुंबई में है। सो दिल्ली और मुंबई में मिला के 3 स्टूडेंट्स हैं, अमित, मोहित एंड पलक। सो नाउ लेट सी हाउ टू राइट द क्यूरी फॉर दिस। इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम From student where city is equals to Delhi and city is equals to Mumbai. So इससे क्या होगा, आपका उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जिनकी सिटी दिल्ली एंड मुंबई है। बट इस केस में आपका रिजल्ट आएगा नो, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसमें दोनों की जिसकी सिटी दिल्ली एंड मुंबई बोथ हो। गॉट इट? क्योंकि देखिए एंड से क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट के नेम्स चाहिए जिनमें सिटी दिल्ली और मुंबई दोनों हो, बट एक टाइम पे एक स्टूडेंट की सिटी या तो दिल्ली होगी या मुंबई होगी। सो अगर इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी दिल्ली और मुंबई, उस केस में क्या आएगा आपका, इसमें सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट Where city is equals to Delhi or city is equals to Mumbai. Now it will show you 3 records as per the data that I am using, Amit, Mohit and Palak. Similarly, अगर मुझे निकालना है कि students जो ITS CSE branch में पढ़ते हैं, तो इसमें हम सीधा where condition में कैसे लिखेंगे, वेयर ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी और ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। थर्ड क्वेरी, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम इंडिया स्टडिंग इन सीएससी और आईटी। अब हम देखेंगे कि और एंड दोनों को हम कैसे मिक्स कर सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, कंट्री इंडिया है एंड देन ब्रैकेट ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी और ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। सो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री इज इंडिया। सो कंट्री इंडिया किस किस की है, एक ये, दो, तीन, चार, पांच।
इनकी कंट्री इंडिया है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये तो होना ही चाहिए कंट्री इंडिया एंड ब्रांच आईटी या सीएससी होनी चाहिए। अब देखिए इंडिया में से ब्रांच किस किस की सीएससी है, एक इसकी है, इसकी आईटी है, आईटी आईटी। सो फाइनल आंसर विल बी अमित, मोहित, पलक एंड अमन। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर एंड यू कैन ऑल्सो यूज बोथ एंड और इन अ सिंगल क्वेरी। Now let's see the implementation of SQL and OR in the system in Oracle 11g. We'll see the use of SQL and OR operator in Oracle Database 11g. सबसे पहली क्वेरी जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी दिल्ली एंड मुंबई। सो द क्वेरी इज लाइक वी हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन सिटी दिल्ली और मुंबई। तो उसके लिए हम देखिए क्वेरी क्या लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई, कि नेम फ्रॉम स्टूडेंट को रिट्रीव करना है जिनका सिटी या तो दिल्ली है या फिर मुंबई है। आइए इसको रन करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेम आ रहे हैं अमित, मोहित एंड पलक। हमेशा बेटर रहता है कि हम इसमें साथ में नेम के साथ सिटी को भी प्रिंट करा लें, जिससे पता लग जाएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है। तो देखिए अमित दिल्ली से है, मोहित दिल्ली से है और पलक मुंबई से है। सो इन दिस वे यू कैन यूज और ऑपरेटर। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेरी। इन दिस आई हैव टू फाइंड द नेम ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आइदर इन आईटी और सीएससी ब्रांच। हमें पता करना है नेम्स ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ते हैं आईटी या सीएससी ब्रांच में। तो इसके आगे हमने लिखा ब्रांच। अब वेयर में हम यूज करेंगे क्लॉज ब्रांच, ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी और ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। तो देखिए आपको यहां पे रिजल्ट में दिख रहा है वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो सीएससी या आईटी में पढ़ते हैं। अब ट्राई करते हैं कंकेटनेट करने के लिए एंड और ऑपरेटर को। तो क्वेरी है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम इंडिया स्टडिंग इन सीएससी और आईटी। स्टूडेंट के नेम्स चाहिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और सीएससी या आईटी में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। वेयर क्लॉज में हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया। इसके बाद हमें यूज करना है एंड ऑपरेटर एंड ब्रांच इज इक्वल्स टू आईटी और ब्रांच इज इक्वल्स टू सीएससी। तो इसमें क्या करा है हमने, नेम ब्रांच एंड कंट्री को डिस्प्ले करा रहे हैं स्टूडेंट से जिसकी कंट्री इंडिया है एंड, मतलब ये सबका ट्रू होना चाहिए कि कंट्री इंडिया है और उसके बाद या तो वो आईटी से हो या सीएससी ब्रांच से हो। तो इसको रन करते तो हमारे पास सिर्फ एक रिजल्ट आ रहा है अमित, जिसकी ब्रांच सीएससी है और वो इंडिया से है। अब अगर इसमें हम यूएसए कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या कोई चेंज होता है क्या। कंट्री को हमने कर दिया यूएसए। तो अब देखिए सिर्फ जॉन आ रहा है जिसकी ब्रांच सीएससी है और वो यूएसए से बिलोंग करता है। सो इस तरह से आप एंड और को यूज कर सकते हैं, दोनों को कंकेटिनेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ क्वेरीज इन योर ओन ओरेकल डाटाबेस 11g और एनी वर्जन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन एसक्यूएल एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।